हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई AEW न्यू ईयर्स मैच नाइट वन के बारे में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। तो AEW की न्यू ईयर्स मैच नाइट वन यहाँ पर स्टार्ट ही होती है यंग बक्स एंड SCU वर्सेस एंजेलिको, जैक हिवन्स एंड द एक्लेम्ड। और यहाँ पर यंग बक्स एंड SCU ने हरा दिया एंजेलिको, जैक हिवन्स एंड एक्लेम्ड। इसके बाद यहाँ पे डैनियल्स एंड खेजरियन यहाँ पे यंग बक्स को बोलते हैं दे ऑलवेज हैव देयर बैक्स बट अंटिल दे आर गॉन फॉर द टाइटल्स। वो यंग बक्स के साथ तब तक है जब तक वो यंग बक्स के अपोनेंट बने हैं टाइटल्स के लिए। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं जॉन मॉक्सले के एक प्रोमो, और यहाँ पे जॉन मॉक्सले रिंग में आते हैं और बोलते हैं केनी ओमेगा एंड डॉन कैलिस ने रॉन्ग गाय से पंगा लिया एंड ही इज़ कमिंग फॉर देम। इसके बाद हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है बेस्ट फ्रेंड ट्रेंट मीरो, ऑरेंज कैसिडी एंड दे वेयर टॉकिंग अबाउट देयर मैच नेक्स्ट वीक। और यहाँ पर केप सेबिन एंड फिनोलिफिन फोर्ड्स की वेडिंग के बारे में भी स्टेपुलेशन एंड चेक्स एग्रीस के बारे में भी बात हुई। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है जेक हेगर वर्सेस वर्डलो। इस मैच के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था, और यहाँ पर एंड में यहाँ पर वर्ड लो हरा देते जेक हेगर को। इसके बाद हमें देखने को मिलता है डार्बी एलन को यहाँ पर न्यू TNT टाइटल दिया गया। और इसके बाद डार्बी एंड ब्रायन केज ने यहाँ पे वेट अपना मापा बिफोर देयर मैच नेक्स्ट वीक। इसी बात पे यहाँ पे टीम टैस बाहर आ जाते हैं और डार्बी के ऊपर जंप करते हैं, लेकिन स्टिंग आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ताज एक बहुत ही अच्छा प्रोमो कट करता है और बोलते हैं ताज पूरे पक चुके हैं इस स्टिंग और डार्बी एलन के इस अपेयरेंस या एंट्रेंस के बारे में। जब भी आते हैं उनके मामलों में यहाँ पर दखलअंदाज करते हैं स्टिंग। एंड नेक्स्ट वीक यहाँ पर ब्रायन केज डार्बी एलन से TNT टाइटल लेंगे ही लेंगे। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है कोली रोज वर्सेस मैट सेडल। और यहाँ पे ये कोहली रोज यहाँ पे बड़ी आसान तरीके से मैट सिडल का हरा देते हैं। मैच के बाद यहाँ पे कैओस प्रोजेक्ट अटैक करते कोहली को, लेकिन यहाँ पे अनाउंसर से उठ के स्नूप डॉग यहाँ पर एक सर्पिंग को एंड स्नूप स्प्लैश लगा देते हैं। और यह मोमेंट बहुत ही कूल था, जो भी देख रहे थे उस टाइम हम जाके देख सकते। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है AEW वुमेंस टाइटल के लिए हिकारु शिदा वर्सेस एबाडन। और यहाँ पर हिकारु शिदा ने बड़ी आसान तरीके से एबाडन को हरा दिया और रिटेन कर लिया अपनी AEW वुमेंस टाइटल। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है यहाँ पर केनी ओमेगा वर्सेस रे फिनिक्स फॉर द AEW वर्ल्ड टाइटल। और यहाँ पर मैच में काफ़ी हाई फ्लायर मूव देखने को मिले हमें रे फिनिक्स एंड केनी ओमेगा दोनों की तरफ से। लेकिन यहाँ पर एंड में यहाँ पर केनी ओमेगा हरा देते हैं रे फिनिक्स को और रिटेन कर लेते हैं अपनी AEW वर्ल्ड टाइटल। और मैच के बाद यहाँ पे जॉन मॉक्सली अटैक करते केनी ओमेगा को विथ अ बारबेड वायर बैट, लेकिन यहाँ पर अचानक से गुड ब्रदर्स के अपियरेंस हमें देखने को मिलते हैं और वो मॉक्सली को अटैक कर ही जाते, ब्रूटल अटैक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर AEW कुछ लॉकर रूम सुपरस्टार जहाँ पर आते हैं मॉक्सली को सेव करने, लेकिन उनको भी उन्होंने भगा दिया और बहुत ही ब्रूटल अटैक किया उनके ऊपर भी यहाँ पर गुड ब्रदर्स ने। और यहाँ पर एंड में यहाँ पर देखने को मिलते हैं यंग बक्स आते हैं रिंग में और ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर केनी ओमेगा एंड गुड ब्रदर्स के टीम में। और यहाँ पर यंग बक्स और इसी तरीके से हमें देखने को मिलते हैं बुलेट क्लब का रियूनियन। और इसी तरीके से AEW न्यू ईयर्स मैच नाइट वन एंड्स हो जाती है। तो ये काफ़ी कूल एंडिंग था AEW की तरफ से। अगर उनके और ये इम्पैक्ट के बीच में कुछ हो रहा है पार्टनरशिप्स, तो मुझे लगता है दोनों को ही बहुत ही फ़ायदा मिला। और इसी के चलते हमें गुड ब्रदर्स TNS से सीधा यहाँ पे AEW में देखने को मिले। ये काफ़ी एक्साइटेड हो कि अब मुझे लग रहा है कि स्टोरी में थोड़ा प्रोग्रेशन हो रहा है। अब देखने का काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये स्टोरी लाइन किधर जाती है, किस हद तक जाती है। तो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलिए बाय बाय। वीडियो ज़रूर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।
बाय बाय।